नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म में सकट चौथ के व्रत का खास महत्व है। इस दिन महिलाएं भक्ति भाव से व्रत करती हैं। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। साल 2023 में पड़ने वाला सबसे बड़ा और सबसे पहला व्रत गणेश जी का होता है, जिसे कि सकट चौथ भी कहा जाता है। यह सकटा चौथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। नए साल 2023 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, सकट चौथ 2023 की तिथि व शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 10 जनवरी 2023 को दोपहर को 12:09 पर शुरू हो जाएगी और 11 जनवरी 2023 दोपहर 2:31 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ 2023 का व्रत 10 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। चंद्रोदय का समय रात को 8:41 पर रहेगा। सकट चौथ व्रत के दिन पहले ही व्रती महिलाएं सात्विक भोजन लें, यानी व्रत से पहले दिन प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। सकट चौथ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हो सके तो लाल वस्त्र इस दिन धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूजा में गणेश जी के मंत्रों का जाप करना बेहद ही फलदायक माना जाता है। गणेश मंत्रों का जाप करें, भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। सकट चौथ पर लड्डू के अलावा इस दिन शकरकंद, गुड़, तिल से बनी हुई वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू, यानी इस दिन तिलकुट भी बनाया जाता है। तिल को कूटकर उसमें गुड़ शक्कर मिलाना बहुत ही शुभ होता है। इस चीज का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। 12 मास में पड़ने वाली चतुर्दशी में माघ माह की चतुर्दशी का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश जी ने भगवान शिव व माता पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से संतान की कामना पूरी होती है, संतान की दीर्घायु होती है। सकट चौथ पर गणेश जी के साथ माता सकट की भी पूजा की जाती है, जिसे सकट माता भी कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत करने से भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होकर सभी संकटों से रक्षा करते हैं। साथ ही माता सकट सभी संकटों को हर लेती हैं। मित्रों, इस बार 2023 में सबसे बड़ा और पहला व्रत सकट चतुर्दशी का 10 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आप भी विशेष पूजा इस दिन गणेश जी की करें, व्रत रखें, इससे संतान मिलती है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है, संतान से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आपको भी सकट चौथ व्रत की यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो सकट चौथ व्रत आप भी अवश्य ही करें। सकट चौथ माता पर के व्रत में कहानी भी जरूर सुनें। कहानी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर गणेश जी की और सकट माता की कहानी सुन सकते हैं। मित्रों, अगर आपको व्रत से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश महाराज अवश्य लिखें।